कौन कह रहे थे? वैभव जी कुछ पूछ हाँ रहे थे। बैठिए। मैं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जी की घटना में से ही है, जहाँ पे रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद को समाधि के एक दर्शन कराए और पूरी ज़िंदगी उनसे जगह जगह प्रवचन करवाए, डिस्कोर्स करवाए। और कहते हैं कि उनके मरते समय ही उन्होंने को एक उनको कुंजी दी। तो क्या ऐसे समाधि के दर्शन गुरु दे सकता है? और ऐसे अगर है तो रामकृष्ण जी ने इतना उनको इंतजार क्यों करवाया? देखो, सब सांकेतिक बातें हैं, अर्थ जरा गूढ़ हैं, स्पष्ट होते हुए भी, समक्ष होते हुए भी गूढ़ हैं, उनमें उतरेंगे। रामकृष्ण से मिलने सैकड़ों आते थे, हजारों आते थे। रामकृष्ण अपने जीवन काल में ही कम से कम कलकत्ता में और बंगाल में प्रसिद्ध हो चुके थे। किसी को भी चुन सकते थे वो, उन्हें कमी नहीं थी शिष्यों की, चेलों शिष्यों की, बहुत लोग आते थे। विवेकानंद विशिष्ट थे, खास थे। विवेकानंद इतने खास थे कि रामकृष्ण उन्हें खींच के लाए थे। ऐसे भी अवसर आए थे जब विवेकानंद ने काली मंदिर को, रामकृष्ण को छोड़ना चाहा। रामकृष्ण पीछे पीछे गए, हाथ थाम के लेके आए, करीब करीब मिन्नत करके वापस लेके आए। विवेकानंद खास थे। और ऐसा नहीं, फिर कह रहा हूं कि रामकृष्ण को सुनने वालों की, समझने वालों की कोई कमी थी। शोहरत थी उनकी, यश था, लोग आते थे। चूंकि विवेकानंद में एक अद्भुत पात्रता थी और प्यास थी, यही कारण था कि रामकृष्ण उनको अपने स्पर्श मात्र से, पादुका प्रहार मात्र से समाधि में उतार पाए। ऐसी गहरी प्यास थी विवेकानंद की कि कहानी कहती है कि जब मिले तो रामकृष्ण से पहला प्रश्न क्या किया? भगवान को अभी दिखा सकते हो? भगवान देखा है आपने? तुम करते हो ये प्रश्न, आज तीसरी सांझ है, तुमने दुनिया भर की बातें उठा दी, इधर उधर के सवाल पूछ लिए, किसी ने कहा कि अभी मिलवा दो परमात्मा से, वो चीज ही इतनी दूर की है कि तुम्हारे मन में नहीं आती। तुम 100 मांगे कर लोगे, ये नहीं कहोगे कि त्वरित मुक्ति दे दो। मांगी किसी ने? आप 2 बार 5 बार कोर्स कर चुकी हैं, उसमें किसी को ये प्रश्न पूछते सुना कि अभी चाहिए परमात्मा? नहीं मांगते ना हम, मुफ्त मिलता हो तो भी ना मांगे। विवेकानंद की ऐसी आग थी, भीतर ऐसी त्वरा लगी हुई थी, अभी चाहिए। पूछ रहे हैं रामकृष्ण से, आपने ईश्वर को देखा है? विवेकानंद रामकृष्ण से पूछ रहे हैं, आपने ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण ऐसे इधर उधर अपना अन्यमनस्क तरीके से कह रहे, हाँ देखा है, जैसे कोई पूछ रहा हो पेड़ देखा है, कुत्ता देखा है, बिल्ली देखी है, पत्थर देखा है। तो रामकृष्ण भी ऐसे ही कह रहे, हाँ देखा है, जैसा तुम्हारा सवाल वैसे ही हमारा जवाब। क्या पूछा तुमने? ईश्वर देखा। आपने ईश्वर देखा है? रामकृष्ण बोल रहे हैं, हाँ देखा है। ले तो विवेकानंद क्या कह रहे, मुझे दिखा सकते हैं? विवेकानंद ने सोचा होगा कि अब फंसे, पहले तो शेखी बघाड़ दी कि देखा है, हाँ।
और अब मैंने सामने परीक्षा रख दी है कि देखा है तो दिखाओ, तो अब इधर उधर की बात करेंगे, दाएं बाएं मुझे जरा भटकाएंगे। रामकृष्ण क्या बोलते हैं? अभी लो। क्या बोलते हैं? अभी लो, अभी लो। अब विवेकानंद के जरा अब अब आ गया मौका, कहे ये तो आदमी अबूझ मिला, बहुत मिले ज्ञानी, बहुत मिले जो गुरु होने का दंभ भरते थे, ऐसा तो कोई मिला ही नहीं जो कहता हो अभी लो। जानते हो क्यों कहा रामकृष्ण से ने अभी लो? बोलो जल्दी बोलो, रामकृष्ण ने क्यों कहा अभी लो? सवाल हर जगह है ही ना, सवाल ऐसा जिज्ञासा था इसकी। अभी जो मैंने पिछले प्रश्न में बात कही उससे याद रखना, आध्यात्मिकता परमात्मा के बारे में नहीं है, तुम्हारे बारे में। तो रामकृष्ण अगर विवेकानंद से कह रहे हैं अभी लो, तो इसका संबंध किससे है? विवेकानंद जी से। विवेकानंद से है। अब उत्तर दो, मैंने तुम्हें जरा सा इशारा दे दिया है कि आपके अंदर है, आप अंदर देखिए। नहीं, वो तो सबके अंदर है। थोड़ा भी कर दिया तो वो निकल जाएंगे उनकी पात्रता। अरे भाई बात बहुत सीधी है, कैसे चूक रहे हो? वो प्रश्न ही छोड़ दो, विवेकानंद ने कहा क्या था, मांगा क्या था? ईश्वर, ईश्वर दिखाओ, अभी दिखाओ, अभी चाहिए। जो कहे अभी चाहिए उसको गुरु बोलता है अभी लो, और जो कहे कि मुझे जरा विधि बताइए, लंबा तरीका बताइए, पहले मेरे 50 संदेह दूर करिए, तो उनसे गुरु क्या कहता है? हाँ बैठो, तुम्हारे संदेह दूर करते हैं, तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा, ये अस्तित्व का नियम है। विवेकानंद को तत्क्षण चाहिए था, तो रामकृष्ण ने कहा अभी लो, अभी लो, अभी लो। और कहानी कहती है कि उन्होंने अपने स्पर्श मात्र से, बहुत कहानियां हैं जो सबसे प्रचलित है, वो ये है कि रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती पर अपना पांव रख दिया। कोई ये भी कहता है कि लात मार दी, कोई ये कहता है कि उनके माथे को स्पर्श कर दिया। पर सब एक बात साझी कहते हैं कि उसी समय विवेकानंद खो गए, मिट गए, कालचक्र रुक गया, मन थम गया, संसार समाप्त हो गया, दर्शन मिल गए। याद रखना ये इसलिए हो पाया क्योंकि विवेकानंद को अभी तभी चाहिए था, जिसे अभी चाहिए उसे अभी मिलेगा। परमात्मा तो गुलाम है तुम्हारा, तुम मांगते नहीं तो मिलता नहीं, तुम मांगो मिलेगा। नॉक एंड द डोर शैल ओपन। तुम मांगते कहां हो? गुरु राम थे, स्वामी राम, तो एक बार एक ऐसे ही सभा को संबोधित कर रहे थे, तो पश्चिमी देश था, वहां पर लिबर्टी, फ्रीडम, इसकी बात खूब हो रही, तो लोग कहने लगे कि आप जरा मुक्ति पर बात करिए और साफ बताइए मुक्ति के तरीके क्या हैं। आप 3-4 दिन से हमसे बात कर रहे हैं और मुक्ति पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो लोग इस तरह की बातें करने लगे, मांग करने लगे। राम कुछ देर तक सुनते रहे और फिर गरज के बोले अभी दूंगा मुक्ति, और जो मांगेगा उसको दूंगा और पूरी मुक्ति दूंगा, बोलो किसको चाहिए? आज जो मांगेगा उसे मिलेगी और पूरी मिलेगी, ऐसी मुक्ति मिलेगी कि फिर कुछ शेष नहीं रहेगा, बोलो किसको चाहिए? सांप सूंघ गया, किसी को नहीं चाहिए, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। तुम्हें चाहिए नहीं इसलिए मिलता नहीं, तुम बातें बहुत करते हो पर तुम्हारी मूल वृत्ति फंसे रहने की है, बातें आजादी की और मोह कटघरे से। बात समझ रहे हो? रामकृष्ण के सामने तुम भी खड़े हो जाओ और उतनी ही ईमानदारी से, वैसी अभीपसा से बोलो अभी चाहिए, तुम्हें भी मिलेगा।
पर चाहिए क्या? देखो अभी तो 100 चीजें और चाहिए ना, फर वाला कोट चाहिए, बिजनेस क्लास का टिकट चाहिए, तरक्की चाहिए, शोहरत चाहिए, व्यापार बढ़ाना है, घर बसाना है, परमात्मा कहाँ चाहिए? जिस क्षण वो चाहिए होगा मिल जाएगा, वास्तव में उसको चाहना ही उसको पाना है, पाना है। जिसने चाहा उसे मिल गया। तुम्हें यदि मिल नहीं रहा तो जान लो कि तुम चाह नहीं रहे। शिकायत मत करना, ये मत कहना कि कोई और आकर के रोड़े अटका गया है। हम तो भले आदमी है, परमात्मा के यहां लोग हैं, बिचौली है, उन्होंने साजिश करी है, ये देवदूत और परियां, ये सब जो बीच में बैठे हैं देवी देवता, यही गड़बड़ कर रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, कोई तीसरा है ही नहीं गड़बड़ करने को। तुम हो मन और वो है परमात्मा, आत्मा। मन और आत्मा के अतिरिक्त कोई तीसरा होता ही नहीं, यही दो हैं जिसमें से एक झूठा है। कौन? मन। तो ले देखे कितने हैं, लेकिन मन अगर नहीं है तो आत्मा को एक भी कौन बोले तो कितने बचे? शून्य। ये बात हुई। मन है तो दो हैं, मन नहीं है तो एक है, पर अगर मन नहीं है तो एक बोलने वाला भी कौन बचा? कोई तो कितने हुए? शून्य। शून्य भी नहीं, मौन, कुछ नहीं। मन नहीं तो मौन, दो हटता है तो एक नहीं बच जाता, दो हटता है तो न एक न शून्य, कुछ भी नहीं बचता। समस्त आवाजें थम जाती हैं, क्या बोलोगे, क्या बचा? इसीलिए बस इतना कहना काफी है, अद्वैत, दो नहीं। दो हटे तो ना एक बचा ना शून्य बचा, बचने या ना बचने का सवाल ही मिट गया, गिनती ही मिट गई, तुम ही मिट गए। बस अद्वैत काफी है, दो नहीं, इतना कह दिया बहुत है। एक है तो दूसरा है, एक कह दिया तो फिर दो चार दस पचास सब पैदा हो गए। आचार्य जी ये थोड़ा सा एक बार और, मन गिनतियां करता है ना, और याद रखना कोई भी गिनती शून्य से नहीं शुरू होती, गिनती दो से शुरू होती है। तुम्हें धोखा हो जाता है जब तुम कहते हो कि गिनती शून्य से शुरू होती है, गिनती दो से शुरू होती है। गिनती दो से कैसे शुरू होती है? एक गिनने वाला और दूसरा जो गिना जा रहा है, तो दो तो है ही। सारी गिनतियां कहां से शुरू होती हैं? दो से। ठीक है, मन है तो गिनती है, मन बिना गिनती के मानेगा नहीं। तुम मानते हो बिना गिनती के? गिनती माने कितनी सारी चीजें हैं, जो कुछ भी छोटा होगा उसकी गिनती तो करनी पड़ेगी ना, और जो कुछ भी छोटा होगा उसमें एक से काम चलेगा नहीं, तो तुम दो चार इकट्ठा करोगे, और दो चार इकट्ठा किए माने क्या आ गई? गिनती आ गई। तो मन के लिए संख्याएं इसीलिए बहुत जरूरी है। देखा है संख्याओं के पीछे कैसे भागते हो? जहां मन है वहां संख्या है, हर चीज तो गिनते हो, नंबर कितने आए, तनख्वाह कितनी मिली, लड़के कितने मिले, लड़कियां कितनी मिली, अप्रेजल कितना मिला, प्लेट पे पकौड़े कितने थे, उम्र कितनी हो गई, गाय खरीदने आते हो तो उसके दांत गिनते हो? गिने बिना मानते हो? तो मन माने गिनती, क्योंकि मन माने सब छोटा छोटा, और जो छोटा है वो गिना जा सकता, वो एक सीमित से काम चलेगा नहीं, सीमित है, चूंकि सीमित है इसलिए बहुत सारे चाहिए। बात समझ रहे? तो मन माने दो, क्योंकि गिनती कितने से शुरू होती है? दो से। मन माने गिनती और गिनती माने दो। मन हटा तो दो हटे, और दो हटे तो क्या कोई एक बचा? नहीं। एक बचा होता तो मन बचा होता, मन बचा होता तो गिनती बची होती, माने कितने बचे होते? दो। यानी एक बचा माने दो बचे, और दो बचे माने 2000 बचे। तो दो हटता है
तो एक नहीं बचता, मौन बचता, शून्य बचता है। पर शून्य बचा है ये कहने के लिए कौन बचा? कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये भी क्यों कहें कि शून्य बचा? मौन, शांति बची है। इसीलिए इस वक्तव्य से कि परमात्मा एक है, ये वक्तव्य ज्यादा शुद्ध और उपयोगी है कि परमात्मा अद्वैत है। एक से ज्यादा सुंदर, सम्यक और उपयोगी शब्द है अद्वैत। एक गलत नहीं है, पर अद्वैत की बात दूसरी है। अद्वैत चीज निराली है। एक भी ठीक है, तुम कहते हो ना गॉड इज वन, गलत नहीं कहते हो। पर अगर ये कह पाओ कि अद्वैत है, तो फिर तो वो तो एक से ऊपर की बात है। तो कोई ट्रू स्टेटमेंट हुआ गॉड इज वननेस। इंग्लिश में क्या कहेंगे अद्वैत? उनके पास कुछ है ही नहीं, तो कहते हैं नॉन ड्यूअल। अच्छा, उनके पास अद्वैत जैसा कुछ है ही नहीं, वर्ड ही नहीं। अंग्रेजी अध्यात्म के मामले में बड़ी गरीब भाषा है, व्यापार के मामले में बड़ी समृद्ध भाषा है। व्यापार को लेकर के उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो और कहीं ना मिले आपको, पर अध्यात्म को लेकर के तो अंग्रेजी के पास गुरु जैसा ही कोई शब्द नहीं है। वहाँ टीचर है, ट्रेनर है, गाइड है, गुरु नहीं है, मास्टर है, पर गुरु नहीं है। और गुरु न टीचर होता है, न ट्रेनर होता है, न मास्टर होता है, न गाइड होता है। अंग्रेजी भाषा इतनी गरीब है कि उसमें गुरु के लिए ही कोई शब्द नहीं है। ईश्वर और ब्रह्म को अलग करने के लिए अंग्रेजी में कोई तरीका नहीं, जबकि ईश्वर और ब्रह्म में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु को इंग्लिश में एक्सेप्ट करने लगे, तो फिर उन्होंने गुरु को अंग्रेजी में ही ले लिया, जी यू आर यू। वहां गॉड है, अब गॉड माने पूछो ईश्वर या ब्रह्म, कोई जवाब ही नहीं। कर्मा के लिए भी कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। योग के लिए कोई शब्द नहीं, योग के लिए भी कोई शब्द नहीं। जैसे मन के लिए भी तो नहीं है, मन वो माइंड को बोलते हैं, माइंड वो भी बड़ा अप्रोक्सीमेट, बड़ा काम चलाऊ शब्द है। वा सब दूर।